बिल्कुल मुतमईन हूँ, उनकी तरफ से कोई थ्रेट नहीं है, कोई इंस्टिगेशन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। इसमें कोई गलत है, सभी उनके कोई थ्रेट नहीं है, ना आईजी साहब ने कहा, ना किसी एसएचओ ने कहा, ना डीएसपी ने कहा, किसी ने भी नहीं कहा, कोई थ्रेट नहीं है मेरे पास। मैं फ्रीली और गुड विल, अपनी विल से मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, कोई मेरे पास फोर्स नहीं है मेरे पास, तो फोर्स नहीं कर रहा मुझको। और पीटीए वालों बेशर्मो हों, तो जिले शाह के वालद ने भी कहता है कि इमरान खान को जिवें ही पता लगा कि वह मर गया है तो उसके अब्बे को पीटीआई के कारकन भेज के बुलाया, तो ढाई घंटे बाहर इंतजार कराया, फिर अंदर बुला के तस्वीर खिंचा के फिर उन्होंने सिविल अस्पताल भिजवाया। जो बाहर मेरे ख्याल में इन लोगों का नुकसान नहीं होता, नुकसान उस माँ बाप का हुआ जिसकी औलाद चली गई। और बच्चों को कहना चाहूंगी कि जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया, पाला, पढ़ाया, लिखाया, इतना बड़ा किया, तुम्हारी खुशियों के, शादियों के ख्वाब देखे, एक दफा उनका सोच लिया करे इस तरह के मामला में जाने से पहले, कि खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो हमारे माँ बाप क्या करेंगे, इनको तो बलि के बकरे और मिल जाएंगे। और पीटीआई दे जाहिलो, और पीटीआई दे कारकनो, और पीटीआई दी जड़ी मेन क्यादत ओदी डेड बॉडी ते सियासत कर रही है ना, फवाद चौधरी ते इमरान रियाज खान वर्गे, ओए बेगैरतो, ओ को शर्म करो, ओ को हया होंदी है, ओए अपना मरना भूल गए हो, पहला अरशद शरीफ दी मौत ते तुसी सियासत कीती, हुण तुसी जिले शाह दी मौत ते सियासत कर रहे हो, ओए तू तानू अपना मरना भूल गया, अपने बीवी बच्चे अपने खानदान दे मेंबर तानू याद नहीं, ओए की सोच के हरकतां कर रहे हो, ओए कुर्सियां इत्थे रह जानी है, मर जाना एक दिन तुसी।